नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। सोशल मीडिया अक्सर जहां भले कुछ ना हो वहां भी आग लगा सकता है, राजनीति में भूचाल ला सकता है। कोटा में तो ऐसा हो ही गया। दो दिन से कोटा में प्रशासन की धारा 144 में उलझे लोगों को पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता भवानी सिंह राजावत ने एक नया मुद्दा दे दिया। उन्होंने मंगलवार शाम को एक बयान जारी किया और कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। राजावत ने अपना बयान बिना किसी ठोस आधार के मात्र सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के आधार पर दिया है, लेकिन राजनीतिक चर्चा की तपेली तो तपा ही दी है। आप भी सुनिए बयान। कुछ लोग अनर्गल दुष्प्रचार कर रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री होंगे और लोकप्रिय जननायक का पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ये उपराष्ट्रपति होगी और राजा साहब जो है दुष्यंत कुमार जी ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए जाएंगे। ये अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन पूरा राजस्थान जानता है। ठीक है, हाड़ौती कर्म भूमि है उनकी, लेकिन बागड़ हो, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, शेखावाटी हो, ब्रज प्रदेश हो, ढूंढाड़ हो, पूरा राजस्थान करोड़ों लोग अपने तकदीर की बागडोर वसुंधरा राजे जी के हाथों में देना चाहते हैं। ये जनसैलाब उमड़ रहा है और अभी केशवराय पाटन में जो लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ा और इसको देखते हुए हाईकमान को विचार करना ही पड़ेगा। और हाईकमान अगर जनादेश का सम्मान नहीं करता है तो राज आना नामुमकिन होगा। वैसे राजनीतिक बयानों में दरअसल दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, यानी देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। राजावत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे के समर्थक हैं। राजावत और बिरला का कर्म क्षेत्र कोटा ही रहा है और कभी दोनों साथी थे, आज प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से जवाब नहीं आया है। उम्मीद है वे कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे, लेकिन अगले साल चुनाव है तो आप तो अब मजे लीजिए राजनीतिक बयानबाजी के। और देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट तो बनता ही है। जय हिंद।